नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के सीएम धामी का आज बागेश्वर दौरा है, इस वक्त की बड़ी खबर। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर दौरे पर हैं और बागेश्वर में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यात्रा में शामिल होंगे, यूथ आइकन के अवार्ड फंक्शन में भाग लेंगे। सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर दौरे पर हैं और बागेश्वर में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जिस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे यूथ आइकन के अवार्ड फंक्शन में भी सीएम धामी भाग लेने वाले हैं। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का कार्यक्रम भी है। हरिद्वार से संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज बागेश्वर दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले आज एक विजय संकल्प यात्रा जो कि कल हरिद्वार से रवाना हुई थी, तो आज इसका शुभारंभ बागेश्वर में किया जाएगा। हालांकि इसका शुभारंभ के दौरान जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर है, वो भी कहीं ना कहीं इसका हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही है और मुख्यमंत्री लगातार ही जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। हालांकि विजय संकल्प यात्रा के जरिए जिस तरीके से पिछले करीब 4.5 साल के कार्य हैं वो जनता को गिनाए जाएंगे और जनता के बीच पहुंचकर जनता के साथ विजय का एक संकल्प लिया जाएगा। 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती, तमाम तैयारियां कर रही है। हालांकि जिस तरीके से कल हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, हालांकि 3 दिवसीय दौरा जो विजय संकल्प यात्रा का हरिद्वार में रहने वाला है, उसके बाद कुमाऊं दौरे पर जो आज से शुरुआत हुई है, बागेश्वर में आज इसका शुभारंभ हो गया है और तमाम जो उत्तराखंड की विधानसभाएं हैं उनमें लगातार ही भ्रमण किया जाएगा। जी चारू, संजय बने रहिए हमारे साथ, रोहित विक्रम सिंह भी बन गए हैं। रोहित, आज मुख्यमंत्री बागेश्वर पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रम इस दौरान मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। जी चारू, देखिए मुख्यमंत्री करीब थोड़ी देर में अभी निकलने वाले हैं और खटीमा से वो निकलेंगे और सीधे बागेश्वर पहुंचेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे और बीते रोज हमने देखा जिस तरह से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, एक भव्य रोड शो किया और 2660 किलोमीटर तक ये विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। और आज चूंकि कुमाऊं मंडल में इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा होना है, तो बागेश्वर से आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। कुल मिला के 4500 किलोमीटर तक ये यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली जाएगी और जनवरी के प्रथम माह में ये यात्रा समाप्त होगी। विजय संकल्प रथों के रूप में इस यात्रा को रवाना किया जाएगा और जो ये विजय संकल्प रथ हैं ये एक तरह के LED वाहन हैं, जिसमें वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये वाहन जाएंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में, केंद्र सरकार की केंद्र पोषित योजनाओं के बारे में, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में और इन योजनाओं से जनता को क्या कुछ लाभ हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कुछ प्रदेश के लिए कर रही है, तमाम चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से जनता के समक्ष रखा जाएगा। तो आज का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और 4500 किलोमीटर तक की जो यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी, इस दौरान के तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी उत्तराखंड दौरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के जो संगठन के बड़े नेता हैं, संगठन महामंत्री हो, सह महामंत्री हो, चुनाव प्रभारी हो, प्रदेश प्रभारी हो, ये तमाम नेता भी समय समय पर इस विजय संकल्प यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, संजय भी बने हुए हैं। संजय, यूथ आइकन अवार्ड फंक्शन में भी सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं और सबसे अहम चीज है कि देखिए उत्तराखंड में अगर देखें तो बीजेपी ने युवा चेहरे को मौका दिया है और ऐसे में युवाओं के फंक्शन में सीएम धामी मौजूद रहने वाले हैं, कितना असर इसका आने वाले चुनावों पर आप देखते हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश में तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। हालांकि युवाओं के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें शिरकत करते हैं, हालांकि 2022 के
चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचकर सभी कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी समय समय पर सभी कार्यक्रमों में अब प्रतिभाग कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को लेकर तमाम जो कार्य है, तमाम जो योजनाएं हैं उनको जनता को बता रहे हैं। जितनी भी योजनाएं सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, तमाम जो उपलब्धियां हैं वो जनता को बता रहे हैं और जितने भी अधूरे कार्य हैं उसे तमाम जल्द से जल्द पूरा करने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। महिला सशक्तिकरण और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को विधानसभा चुनाव में 40% टिकट देने के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तराखंड बीजेपी सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि देश में 60 साल तक राज किया, अब महिलाओं को सशक्त करने की याद आ रही है, जब 60 साल तक सरकार में थे तब क्यों नहीं महिलाओं को सशक्त किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने ही सशक्त करने का काम किया है, संगठन में, केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में महिलाओं की भागीदारी बीजेपी ने बढ़ाई है। उन्होंने 60 साल राज किया है इस देश पे और महिलाओं को सशक्त करने की याद उनको अब आई है। मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप 60 साल सरकार में थे तो आपने महिलाओं को सशक्त करने का कार्य क्यों नहीं किया? आज आप बोल रहे हो विपक्ष का काम है बोलना, वो बोल रही हैं, लेकिन जो महिलाओं को सशक्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे आप संगठन में देख लीजिए, चाहे केंद्र सरकार में देख लीजिए, चाहे राज्य सरकार में देख लीजिए। महिलाओं की भागीदारी को केवल चुनावी जुमला बनाकर जो दल देखते हैं वो कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं कर सकते। हमने देखेंगे कि एक दल विशेष ने यूपी में तो घोषणा करी कि हम 40% करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में उनकी बोलती बंद हो गई युवा और महिलाओं के बात पे। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है और जैसा कि कुंदन लटवाल जी ने भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम ये डिमांड करेंगे कि युवाओं की भूमिका इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर रहे, इसके लिए हम संगठन को रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि युवा प्रदेश है, युवा नेतृत्व है, तो जाहिर है कि युवा और महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर भी इस बार पार्टी का विशेष ध्यान रहेगा। एक महिला होते हुए मेरा मानना है कि महिलाओं की भागीदारी को केवल चुनावी। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने महिलाओं की भागीदारी को जिस तरह अपनी प्रमुखता दिखाया है, सरकार भी इस पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने खुद कमान संभाली हुई है और उनका जो स्लोगन निकल के आया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और 40% जो आरक्षण जो है टिकट बंटवारे में कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को दिए जाने की जो वकालत जो प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है, अब उत्तराखंड जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो महिला नेता हैं उनकी तरफ से उनके बयान पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, कोई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं ना तो केंद्र स्तर पर ना तो प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस द्वारा संचालित की गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सह प्रभारी हैं रेखा वर्मा, उन्होंने कटाक्ष किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो राष्ट्रीय सचिव नेहा जोशी हैं उन्होंने भी प्रियंका गांधी के जो वक्तव्य हैं और तमाम जो स्लोगन्स हैं उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा केंद्र सरकार ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर तमाम ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए हर घर शौचालय की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो जिसमें धुएं से निजात मिला है महिलाओं को, गैस सिलेंडर प्राप्त हो रहा है, तमाम ऐसी अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही पार्टी के भीतर हाईकमान में संगठन में महिलाओं की भागीदारी केंद्र सरकार ने सुनिश्चित की है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। देखिए रोहित, चुनाव का वक्त है और आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें जारी रहता है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे, जहां रुद्रपुर में उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। डिप्टी सीएम व्यापारियों के हित में बनाए गए नियमों पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनावों में दिल्ली मॉडल से चुनावी तैयारी है। रुद्रपुर में व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और व्यापारियों के हित में बनाए गए नियमों पर चर्चा भी करेंगे।
विधानसभा चुनावों में दिल्ली मॉडल के सहारे आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी और दिल्ली मॉडल को बतौर उदाहरण पेश किया जाएगा उत्तराखंड की जनता के सामने और बताया जाएगा कि किस तरह दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं रोहित का। रोहित, कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया जिस तरह से लगातार उतरे हुए हैं और सबसे अहम चीज दिल्ली मॉडल को उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है उत्तराखंड में बार बार। ये देखिए चारुल, आज रुद्रपुर में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करीब 12 बजे से व्यापारियों के साथ और जो व्यापारिक संगठन है उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं। कुछ दिन पहले देहरादून में भी एक स्थानीय होटल में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यहाँ के व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों के तमाम नेताओं से बातचीत की थी। साफ तौर पर मनीष सिसोदिया का स्पष्ट तौर पर उस समय कहना रहा था कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई थी उससे पहले व्यापारियों का बहुत बुरा हाल था। तमाम जगहों पर मनमाने भ्रष्टाचार के तहत उनसे पैसे वसूले जाते थे। आरटीओ विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, वहाँ पर खिड़की व्यवस्था थी और लंबी लंबी लाइनों में व्यापारियों को खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। काम के एवज में उनसे भ्रष्टाचार के तौर पर पैसे मांगे जाते थे, लिहाजा खिड़की व्यवस्था को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में बिल्कुल समाप्त कर दिया है। अब उत्तराखंड के कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर व्यापारियों जो अपने कामों को लेकर आवेदन करते हैं तो तमाम जो कर्मचारी हैं समस्त विभागों के अब वो उनके घर पर सीधे जाते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं और जो जरूरी कागजात होते हैं वो फिर अंत में लाकर व्यापारी को उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल टैक्स के समय समय पर दिल्ली में छापे पड़ते थे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में व्यापारियों के घरों पर, उन सेल टैक्स के जो छापे हैं उनको आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार ने दिल्ली की वहाँ पर समाप्त कर दिया है। दिलचस्प होगा रोहित कि दिल्ली मॉडल से कितनी प्रभावित होती है उत्तराखंड की जनता। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों का सफरनामा इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश भाजयुमो ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने बताया कि वो 20 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे, जहां वो रोड शो के साथ कई अहम बैठक भी करेंगे। बता दें कि 21 दिसंबर को टपकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद युवा संवाद कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, क्या तैयारियां हैं? तेजस्वी सूर्या पहुंच रहे हैं उत्तराखंड 2 दिवसीय दौरे पर। देखिए चारुल, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा विंग है वही भारतीय जनता युवा मोर्चा है, लिहाजा इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है उसके द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी आगामी 2022 के चुनाव में फतह दिलाने के लिए उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने, लिहाजा भारतीय जनता युवा मोर्चा भी चुनाव से पहले उत्तराखंड में सक्रिय हो गया है, जिसके तहत कल तेजस्वी सूर्या जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, देहरादून में रहेंगे और कल एक रोड शो करेंगे। देहरादून के अलग अलग इलाकों में उनका रोड शो होगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हज़ारों जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो अलग अलग बैठकें करेंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको आगामी 2022 के चुनाव में किस तरह से पार्टी के प्रति सक्रिय रहना है और 2022 के चुनाव के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की उपलब्धियों को कैसे जनता के बीच में लेकर जाना है, कितना कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, इन तमाम मसलों को लेकर कार्यकर्ताओं को वो टिप्स देंगे। और उसके साथ ही 21 तारीख यानी परसों, बिल्कुल देखिए चुनाव है तो बहुत अहम है ये दौरे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रोहित। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों की रक्षा करते रहने का भरोसा दिया।
आज का दिन जो है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो हमारे सरकार की तरफ से ये मुहिम जारी की गई है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं और उनके साथ जो समस्याएं आ रही है उसके निराकरण के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, जन जन तक पहुँचाए ताकि अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहे और वो विकास की मुख्य धारा में हमेशा। हरिद्वार में धर्म संसद का तीसरा दिन है और इसके साथ ही धर्म संसद में सर्वसम्मति से तय हुआ कि संत समाज विश्व के गैर हिंदुओं को सनातन धर्म में आने के लिए आमंत्रित करेगा और इसके लिए विश्वव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने इस मुहिम का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ धर्म संसद में पंडित अधीर कौशिक ने हिंदू समाज को जातिवाद की बुराई से मुक्ति दिलाने का संकल्प दिलाया। हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, धर्म संसद के तीसरे दिन क्या खास रहा? चारुल, आपको बता दें, तीन दिवसीय धर्म संसद हरिद्वार के वेद निकेतन आश्रम में इसका शुभारंभ किया था। हालांकि जो तमाम देश के कोने कोने से साधु संत और जो हिंदू संगठन के धर्म गुरु है वो हरिद्वार लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि लगातार ही जिस तरीके से गैर हिंदुओं से खतरा बना हुआ है, लगातार ही इस पर चर्चा की गई और हिंदू के अस्तित्व की कैसे रक्षा कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर लगातार ही आज तीसरा दिन है। हालांकि आज का जो अहम दिन है उसमें कहीं ना कहीं साधु संत और तमाम जो देश के कोने कोने से साधु संत आए हुए हैं उनमें एक आदेश जारी होगा और वो केंद्र सरकार को दिया जाएगा। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गैर हिंदुओं से कहीं ना कहीं बिल्कुल संजय आप नजर बनाए रखें, तमाम अपडेट हम आगे भी आपसे लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी देहरादून में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिसकी वजह से व्यापारियों, कामगारों के साथ साथ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी से जहां राजधानी देहरादून में धूप तो खुली है लेकिन शीत लहर भी बढ़ गई है। न्यूज इंडिया ने राजधानी देहरादून के व्यापारियों, कामगारों और अन्य लोगों से खास बातचीत की। इस समय हम राजधानी देहरादून में खड़े हैं और राजधानी देहरादून की सड़कों का हाल देखिए। सड़कें कड़ाके की सर्दी की वजह से बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। इक्का दुक्का वाहनों को छोड़ दें तो वाहनों की संख्या में भारी कमी है क्योंकि सर्दी अपना सितम बिल्कुल कहर बनकर उत्तराखंड और राजधानी देहरादून में ढा रही है। तमाम जो कामगार लोग अमूमन इस समय सड़कों पर नज़र आते थे वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि धूप जो है काफ़ी खिली हुई है लेकिन पर्वतीय इलाकों में जिस तरह से भारी बर्फबारी हुई है जिससे उत्तराखंड के तमाम इलाकों सहित राजधानी देहरादून में भी गलन बढ़ गई है, बर्फ़ की गलन हो रही है। और व्यापारियों से जानने का प्रयास करते हैं कि कड़ाके की ठंड की वजह से उनके व्यापार पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। आप बताइए लाला जी, क्या प्रभाव पड़ रहा है व्यापार पे सर्दी की वजह से? व्यापार पे फर्क पड़ रहा है कि रात को 6 बजे के बाद ही कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बिल्कुल कड़ाके की ठंड हो रही है। रोड पे बिल्कुल सन्नाटा सा जाता है 6 बजे के बाद ही। मतलब सर्दी की वजह से धंधा भी मंदा है? हाँ, धंधा भी मंदा है सर्दी की वजह से। बिल्कुल, तो सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। ब्यूरो, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।